हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखाज ब्लॉग लाइव, जो हर संडे आता है और कभी कभी बीच में भी आता है। तो ये बीच वाला वीडियो मैं बना रही हूँ अपने घर का कोलकाता, और ये है हमारा बाथरूम जिसमें बहुत सारा लीकेज प्रॉब्लम था, बहुत दिनों से था, तो आज से काम शुरू हुआ है। और ये देखिए कितना खूबसूरत बाथरूम लग रहा है और कितना सारा काम बढ़ा है मेरा। तो इस तरह का भी काम होता है और इस तरह का भी काम मैं करवाती हूँ। सिर्फ मेरा घूमना नहीं होता है पहाड़ पे नदियों में, बाथरूम का काम है 15-20 दिन तो लगेगा ही, और बहुत ही रफ एंड टफ काम है, पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब रहता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसा वीडियो आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। मैंने सोचा घूमना फिरना तो मैं दिखाती हूँ, थोड़ा घर का काम भी दिखा दूँ कि बाथरूम तोड़वाने से लेके बनवाने तक में कितनी मेहनत है और कितना टाइम लगता है, और बहुत गंदा काम है ये। वैसे तो आप जो भी घर बनाइए, थोड़ा पुराना होते ही मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, और ये घर हमारा 12-13 साल पुराना हो गया था, तो बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैंने कहा क्यों नहीं बाथरूम को पूरा तोड़ के अच्छे से बनाया जाए। तो पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक लाइन, सब कुछ मैंने नए तरीके से बनाना शुरू किया है इस बाथरूम में। तो देखिए सारे टाइल्स तोड़ के कितना ज़्यादा रबिश इकट्ठा हुआ है, जो गार्बेज है। अब इसको बोरियों में भर के, चूँकि हमारा फ्लैट है तो कॉम्प्लेक्स के बाहर हमें फेंकवाना पड़ेगा, तो बोरियों में देखिए लेबर सब भर रहे हैं और इसको भर भर के बाहर रखेंगे, और जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा तब इसे बाहर कोई गाड़ी भाड़े में करके इसे बाहर लेते जाएंगे। घर में रहते हुए बाथरूम तोड़वाना बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द वाला काम है, क्योंकि पूरा दिन एक तो आपको लेबर लोगों को देखते रहना पड़ता है, प्लस घर भी देखते रहना पड़ता है। और सबसे प्रॉब्लम है घर पे रहना, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, धूल बहुत उड़ता है। ये देखिए लाइन से बोरियाँ हैं जिसमें कि गार्बेज रखा जाएगा, और सब साफ़ करके अब प्लास्टर का काम शुरू हो गया है, प्लास्टरिंग का। बाथरूम में एक खिड़की है जो कि मैंने हटवाने का सोचा है, क्योंकि ये शाफ्ट के साइड खुलती है और इसमें से कुछ ना कुछ स्मेल आते रहता है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना खिड़की बंद कर दिया जाए और सिर्फ एग्जॉस्ट के लिए जगह छोड़ दिया जाए। अच्छा, इससे टाइल्स रहेगा इसके ऊपर ऐसे? हाँ, ऐसे रहेगा। तो उसके भीतर में पूरा फिलिंग जाएगा? हाँ, इसके अंदर है। तो खाली केमिकल जाएगा या और भी कुछ रहेगा? केमिकल भी जाएगा, ये भी जाएगा, दोनों चीज़। केमिकल भी जाएगा और क्या जाएगा? घोला। घोला? हाँ, सीमेंट बालू का घोला डालेगा। सीमेंट बालू का घोला डालेगा? घोला डालेगा, क्योंकि मैंने सीमेंट बालू इस पर हम वेट नहीं चढ़ा सकते। अच्छा, तो इसके लिए मैंने इसको, ये जो आपका लग गया तो इसमें, हाँ, इसका अंदर में पानी जाने का कोई ये नहीं रहेगा। अच्छा, पानी नहीं जाएगा। अच्छा, इसको ऊपर करके यहाँ से लगाते तो यहाँ से पानी चला जाता आपका। अच्छा, इसी का लिए, इसी के लिए ऊपर। आई होप प्रॉब्लम ना हो आगे। कोई साथ में एक छोटा सा बाथरूम है, वो भी मैं तोड़वा दे रही हूँ। देखिए टाइल्स टूट रहे हैं इसके भी, ताकि एक साथ ही दोनों का काम हो जाए। नीचे का फ्लोर पहले रेडी हुआ, इसके ऊपर पीओपी डाल के बालू डाला जा रहा है, ताकि इसके ऊपर चढ़ के साइड में टाइल्स लगाया जाए। पीओपी पे बालू क्यों डाल रहे हैं? जल्दी सूखने के लिए। तो देखिए लगभग टाइल्स भी लग चुका है, फिनिशिंग काम बाकी है, और सारे शावर, WC, बेसिन लगाने बाकी हैं, बेसिन का काउंटर बाकी है।
ये बड़े टाइल्स लगाने में बहुत टाइम लगता है, इनके भीतर से में लिक्विड घोल डाला जाता है और इसको सेट होने में भी बहुत टाइम लगता है, तो मुझे इस बाथरूम के टाइल्स सेट करवाने में बहुत टाइम लगा। बेसिन के काउंटर बनाने की तैयारी हो रही है, इसके ऊपर ब्लैक वाला चढ़ा दीजिए, इसके ऊपर ब्लैक वाला चढ़ेगा। अच्छा वो तो है लेकिन अच्छा फिनिशिंग अच्छा है। देखिए मार्बल कट करने में कितना ज्यादा डस्ट उठता है था। और ये काउंटर का बेस तैयार हो गया, व्हाइट मार्बल पे ब्लैक टाइल्स तैयार हो गया है। आज 12 दिन हो गया है बाथरूम बनते, क्योंकि इसके टाइल्स को लगाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, जॉइंट पे क्या लगा रहे? मट्टी लगा रहे हैं। अच्छा, उन्हें पूरा भर जाए इसलिए पानी नहीं जाए। नीचे के फ्लोरिंग से बालू निकाला जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है। और अब देखिए मिरर, WC, काउंटर बेसिन, लाइट थोड़ी थोड़ी लगनी शुरू हो गई हैं, फिटिंग हो चुका है। ये पूरी खिड़की हमने बंद करके सिर्फ एग्जॉस्ट का जगह रखा है, तो काफ़ी सुंदर जगह निकल गया है इस साइड में। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर जाके ज़रूर लिख के बताइएगा। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। Thank you so much. Take care. Bye.